ओटीटी प्लेटफॉर्म का जमाना है। हम सभी आजकल फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते हैं। राजधानी लखनऊ में भी आज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि गोल्फ सिटी अंतर्गत एक निजी होटल में इस कार्यक्रम को विपिन अग्निहोत्री द्वारा आयोजित किया गया। विपिन अग्निहोत्री ने बताया कि बिग शॉट प्लस ओटीटी लॉन्चिंग में दर्शकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम युवा कलाकारों को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने का अवसर भी मिलेगा। बातचीत करते हुए विपिन अग्निहोत्री ने यह भी बताया कि जल्दी लोगों को बिग शॉट ओटीटी में मनोरंजन और हमारी सभ्यता, खासकर बच्चों के लिए भी इस बिग शॉट ओटीटी में कई तरह के कार्यक्रम और शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट की किस तरह से राजधानी लखनऊ के सुशान गोल्ड सिटी क्षेत्र के एक निजी होटल में इस बिग शॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म का भव्य शुभारंभ हुआ और खासकर कई मॉडलें जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में उन्हें अपने अभिनय का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोगों ने अपना एक कीमती समय निकाला। टुडे इज़ द डे वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू जर्नी, अ जर्नी जहां हम कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर लॉन्चिंग अवर ओन ओटीटी दैट इज़ टाइटल्ड एज बिग शॉट प्लस। और जैसा कि नाम से ही है कि कोशिश करेंगे कि टॉप पे पहुँचे, इस बिग बने। और आवर विज़न इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट कि यूपी से स्पेसिफिक कंटेंट बनाएं जिसमें हम यूपी के ट्रेडिशन। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम शबनम चौहान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके। मेरी फर्स्ट जो मुलाकात हुई विपिन सर से लखनऊ में, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मैं इनका थैंकफुल करती हूँ दिल से, और इन्होंने मुझे इतना मौका दिया इसमें आने के लिए। शायद बोल कि मैं आगे भी इनके साथ में मिलकर काम करूँगी। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज मनीषा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑल हियर एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिग शॉट ओटीटी के लिए। सो आई विश कि एवरीथिंग गोज गुड। थैंक यू। हाय, आई एम आश शहाज, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम स्टैंडिंग बाय हियर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि आप सब पता है कि आज ओटीटी बिग शॉट ओटीटी की लॉन्चिंग है, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आप हर किसी के परफॉर्म करने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए बिग शॉट में, व्हाट यू आर लुकिंग प्लेटफॉर्म? यस, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोग के वर्क करने के लिए। सो आई एम अशिका अरोरा एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिग शॉट ओटीटी एंड लेट्स सी वेयर इट गोस नाउ। And like we are very excited about the opportunities that are going to be introduced in Uttar Pradesh now. So we are looking forward to it. Thank you. देखिए, और बाकी OTTs की तरह ही है, लेकिन अब हमने अपना एक USP ये रखा है कि हम UP स्पेसिफिक कंटेंट को प्राथमिकता देंगे। एंड UP का कल्चर ट्रेडिशन इतना वास्ट है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकेंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग UP के लोगों को काम देंगे और विदाउट चार्जिंग एनी सॉर्ट ऑफ फी और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। सो एक बहुत ही ऑनेस्ट प्रयास रहेगा, लेट्स सी क्या होता है। सर, इसके पहले भी क्या कोई आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे विचारा कि इस ओटीटी को तानना चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अपने को दिखाने का भी मौका मिलेगा? देखिए, मैं पिछले 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने हमेशा जो काम किया है वो बहुत टॉप नॉच किया है, लीक से हटकर काम किया है। आई डोंट डू रन ऑफ द मिल स्टफ़।
बाकी हॉटस्टार पे अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई वादा, और एम एक्स प्लेयर पे अभी हम लोगों ने पीवीआर पे, आप मित्रों को पता ही होगा, हम लोगों ने पीवीआर में अपना फिल्म का प्रीमियर किया था, ये जिंदगानियाँ। तो मैं थोड़ा सा लीक से हट के काम करना पसंद करता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ लोगों को कंटेंट में इंटरटेनमेंट भी मिले और इंगेजमेंट भी मिले और बोरिंग ना हो, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ अगर हम कंटेंट की पैकेजिंग अच्छे से करें तो इट वुड क्रिएट लॉट्स ऑफ आईबॉल्स। अच्छा बिपिन जी, क्या क्या ऐसी बात है जो आपके ओटीटी को अलग बनाती है? देखिए ओटीटी तमाम है, लेकिन जॉनर की बात होती है। जैसे हमारे ओटीटी में किड्स के लिए भी जगह होगी, हमारे म्यूज़िक वीडियोस भी होंगे, हमारे शॉर्ट फिल्म्स भी होंगे, और यूपी का मैंने बताया, यूपी में इतना कुछ है कि अगर हम लोग करने बैठें तो इट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ बज। न्यू कमर्स कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपकी ओटीटी में ज्वाइन करने के लिए और आगे की अपॉर्चुनिटीज़? देखिए अभी तो जो सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि मेरा मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट की मैं रिक्वायरमेंट्स लोगों को पिच करता हूँ, उसके बाद डिपेंड करता है थोड़ा सा यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि उनके कई सारे इनहिबिशंस होते हैं, उनके कई सारे जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उस वजह से बहुत से लोगों का नुकसान होता है, खासकर उन लोगों का जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होता आपको, ना आप कुछ समय के लिए फाइनेंशियल पैकेजेस पा सकते हो, कुछ एक दो ब्रांड्स के शूट्स पा सकते हो, लेकिन अगर आप वाकई कुछ पैसे कमाना चाहते हो ना वेरी बिग स्केल और कुछ बनना चाहते हो, तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वर्क, बट वो चीज़ें वो ललक होनी चाहिए। लोग हमें ये ना कहें कि हम लखनऊ से हैं तो हम टिमिड होंगे, हम लखनऊ से हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एक खुलापन होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हम लोगों के थ्रू जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए और आगे अपॉर्चुनिटीज़? बी वेरी बोल्ड, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर अप टू, और पूरा जहान है जाके कब्जा कर लीजिए। आपका क्वेश्चन बहुत खतरनाक होगा। हाँ बोलिए। देखिए जैसा कि मैंने कहा, मैं लीक से हट के काम करता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क, तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। मैं सिर्फ ट्रेडिशनल यू कैन वॉच वन वेब सीरीज वी हैव अपलोडेड, दैट इज अनकही, अ 3-episode वेब सीरीज जहाँ हमने सोशली रेलिवेंट फैक्टर्स उठाए हैं। बाकी आज आप लोगों की ब्लेसिंग से लॉन्च कर रहे हैं, तो इस महीने आप 3-4 वेब सीरीज पाओगे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट। जी बिग शॉट नाम नेम की रखना क्या महत्वपूर्ण है, दूसरा भी नाम रखा है, ऐसा क्या रहा कि बिग शॉट ही नाम? देखिए मुझे हमेशा सक्सेस मिला है और एटीट्यूड मुझ में भरा पड़ा है, तो मुझे लगा बिग शॉट उस चीज़ को अच्छे से दिखा सकता है।